टेम्परेचर है 1। बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रही यार, क्या हो गया भैया? बगल में खाई हुई बर्फ दिख रही, बर्फ ये देखो, बर्फ है, बर्फ डाले धूम मचा ले धूम। तेल यार इसमें तो तेल ही नहीं निकलता है। क्या रखी, मचाओगे मचाओगे गंद मचाओगे। चल 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 चल, देखो भैया एलियन हो ये लोग, पुलिस रोक ली थी। कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार नेपाल, ये है काली नदी और ये है इंडिया। तो ये लो थानोस ने कर दी सुबह, हो चुकी है सुबह और टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस। समय हो रहा है 7:45 और चेकआउट करने का टाइम हो गया है, तो चलो मिलते हैं बाहर। होटल में हमने किया था स्टे, जगह का नाम है जंपावत और गाड़ी में ही आप देखो बर्फ, बर्फ दिख रही, बर्फ ये देखो, बर्फ है, बर्फ स्नो। और कुछ ऐसा व्यू है जंपावत का, पिथौरागढ़ से ये जगह थोड़ी 60-70 किलोमीटर पहले, 60 मेरे ख्याल से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, बोला आप मैं निकल रहे हैं पिथौरागढ़। बाइक हो गई ठंडी। बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रही यार। हो गई ठंडी हो गई थी बाइक, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम हो गया था, रात पे बर्फ जम गई थी, तो थोड़ा सा स्टार्ट होने में गाड़ी ने प्रॉब्लम की है, बट अभी स्टार्ट हो गई। इसको थोड़ा वार्म अप कर लेंगे और निकलेंगे यहाँ से हम लोग। चलो भैया टाटा। तो होटल से अभी कर दिया है चेकआउट और निकल रहा हूँ मैं पिथौरागढ़ के लिए, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों खूबसूरती कुछ शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ यहाँ से है 70-75 और कुछ ऐसा रास्ता है, पेड़ और काफ़ी अलग टाइप के पेड़ हैं, मतलब पहाड़ों पे यही पेड़ होते हैं, बट थोड़े से मुझे अलग लग रहा है क्योंकि घने हैं कुछ ज़्यादा। बाकी रास्ता ऐसा ही है, अगर अच्छा रास्ता आता है तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। वो देखो हिमालयन रेंज दिख रही है पूरी, पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी कि नहीं, बट मुझे बहुत साफ साफ दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त। अलग ही, चाहे आप जितनी बार भी पहाड़ों को देख लो, बट जब भी आप देखोगे तो आपको नया सा ही लगता है। वो देखो अभी हम लोग हैं लोहा घाट पे, पिथौरागढ़ है सीधे, तो लोहा घाट पे लोहा लिए बिना हम लोग निकल चलेंगे, क्योंकि लोहा लेने का टाइम नहीं होता, अंग्रेजों के समय का काम था ना। तो अब शायद आप लोग को दृश्य काफ़ी अच्छा दिख रहा हो सामने, और पिथौरागढ़ बचा है यहाँ से 50 किलोमीटर, लोहा घाट से 10 किलोमीटर थोड़ा सा आपको सिंगल रोड मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से ऐसा ही रोड मिल जाएगा। और वो पूरी देखो हिमालयन रेंज दिख रही है पूरी की पूरी, अभी वहीं जा रहे हैं लग रहा, वहीं फ्रोडिंग शुरू हो गई है। और जेसीबी को आप देख लो कहाँ है ये जेसीबी, यहाँ तो सारा आदमी बाइक ना चढ़ा पाए, वो जेसीबी कैसे चढ़ा ले गया। ओए होए जेसीबी जेसीबी, और कच्चा रोड है यहाँ पे, ऑफ रोडिंग शुरू है थोड़ी सी, और अभी तो एडवेंचर और भी बाकी है मेरे भाई। देख रहे हो भैया रोड बन रही है, नई रोड बीआरओ द्वारा ये रोड बनाई जा रही है, और लग रहा है गाड़ी में कीचड़ होने वाला है, क्योंकि अब नहीं बचेंगे इस कीचड़ से हम लोग। और देखो भैया कैसा दृश्य, खतरनाक सा, खतरनाक रोड। क्या हो गया भैया, जाए जाम लगा है? तो भाई यो लग गया यहाँ जाम, कैसा जाम है ये आई डोंट नो, किस तरह का जाम है यहाँ पे पता नहीं। ओके तो यहाँ पे रोड बन रही है, तो इस वजह से रोका गया है क्योंकि लैंडस्लाइड का है खतरा, तो सब लोग देख रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है, तो वही यही कारण है कि जाम लगा है।
तो जब ये खुलेगा तभी आगे जा सकते हैं, तो पीछे ही रहना अच्छी बात है। क्या होगा दादा खाने में? दाल भात रोटी सब्जी। दाल भात रोटी सब्जी, अंडा भी है? अंडा अंडा भी है, ओके। चलो तो अभी हम लोग खा लेते हैं यहीं पे कुछ, क्योंकि आगे लगा है जाम, आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, तो यही कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं। यार रोड कट के बन रही है, लैंडस्लाइड का भी खतरा है इस टाइम पे यहाँ पे। तो भैया ऑफ रोडिंग है और रोड बहुत तेज़ी से यहाँ बन रहा है। तो ये देखिए प्यारा सा एक ये नज़ारा, नेचर को जितना देखें उतना कम है, और पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है यहाँ पे, जैसे मेघालय का वाटर होता है वैसे ही वाटर है यहाँ का नदी का। और ये फ्लाई ओवर और अपन लोग को चलना है। तो रोड की हालत ख़राब ख़राब होती जा रही है, और पतला भी हो गया है काफ़ी इधर पे रोड। तो हेलो दोस्तों, हो सकता है आप लोग को आवाज़ कम आ रही हो, बट अभी मैं पिथौरागढ़ यहाँ से है 20 किलोमीटर, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक के हाथ सेक लेते हैं। रास्ता अच्छा है बट थोड़ा सा लंबा तो है, लंबा है रास्ता और थोड़ा सा ऑफ रोड भी है, तो बाइक भी ठीक चल ही रही है, कोई ऐसी अभी तक उसमें चीज़ नहीं है। मुझे लग रहा है चैन में मुझे थोड़ा चैन स्प्रे डालना पड़ेगा, और बाकी चलते हैं पिथौरागढ़ पहुंच के आप लोग से बात करते हैं। बाकी अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ का नज़ारा कुछ ये है। और कुछ थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो आप क्या जगह है भाई, बड़े बड़े पहाड़, किधर से हम लोग चले आए नीचे से, और वो देखो आप रेंज दिख रही होगी आपको, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। धूप है बट आपको फील नहीं होगी धूप, थोड़ा सा मैंने सोचा गर्मी ले लेते हैं, हाई गर्मी। निकल चलो इससे पहले भैया जी आए वापस, निकल चलो, ये रोड बन रहा है तो एक तरफ से गाड़ी आ सकती है एक तरफ से गाड़ी जा सकती है। बगल में खाई, देख लो भैया अगर कोई पत्थर गिरा तो तुरंत निकल लो यहाँ से, पत्थर गिरने से पहले निकल लो यहाँ से। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ धारचूला नहीं सॉरी पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ पहुँच चुके हैं, और काफ़ी बड़ी सिटी है ये, शहरी समझो पूरा इसको, इसको हल्द्वानी से ही कंपेयर करिएगा आप उत्तराखंड में, इवन क्योंकि नैनीताल और ऋषिकेश भी छोटा ही है इसके आगे, मतलब पहाड़ों पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र मुझे अभी तक तो यही लग रहा है। काफ़ी घर है यहाँ पे, पेट्रोल वैसे ख़त्म नहीं हुआ है गाड़ी का, बट फिल करा लेते हैं, पता नहीं आगे पेट्रोल टंकी हो या ना हो, तो यहीं पे फिल करा लेते हैं पिथौरागढ़ में टंकी को, ताकि आगे जाके हमें प्रॉब्लम। तेल यार इसमें तो तेल ही नहीं निकलता है, वो है ना पूरी कवर्ड है ना, तो पाइप है तुम्हारे पास तो दे दे, पाइप भी नहीं बताओ निकलेगा नहीं। आप लोग कहाँ से हो? हम तो लखनऊ से। हाँ चलो कोई और आएगा दे देगा आपको ना। हेलो हेलो, तो दोस्तों पार्ट वन खत्म हो चुका है, लेवल वन हो गया फिनिश, पहुंच चुके पिथौरागढ़, और लेवल टू की शुरुआत हो गई है। ये ब्लॉग 2-3 पार्ट्स में आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक के बाद एक ख़त्म होगा दूसरा ब्लॉग में डाल दूंगा।
और अभी आप देख सकते हो, शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो, वो बर्फ के ही पहाड़ हैं सारे, हिमालयन माउंटेन्स। तो लेवल टू की करते हैं शुरुआत। पिथौरागढ़ आपने घूम लिया, अब करते हैं लेवल टू स्टार्ट। लेवल थ्री भी बाकी है। तो दोस्तों, ये गंदगी और ये पहाड़ और ये हिमालय वाले पहाड़, हिमालयन बर्फ़ वाले, ये व्यू कभी देखा है? ये देखो, ईगल भी बैठी यहाँ पे। क्या गंद मची है यार यहाँ पे, क्या गंद मचा रखी है। मचाओगे गंद मचाओगे पहाड़ों पे। ये अपने कौवा भाई लोग बैठे, कौवा भाई लोग मचाओगे। तो दोस्तों, ये देख रहे हो आप, ये बर्फ जमी है, मतलब पाला, इसको कहते हैं पाला। ये पाला पाला गिरता है इस रोड पे। टनकपुर के आगे आप जब आओगे, पिथौरागढ़ से, टनकपुर से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला, तो टनकपुर के आगे ही से ये पाला गिरने लगता है, बट पिथौरागढ़ के आगे ये नेस्टेबल हो जाता है। तो रात में अवॉइड करिएगा, बाइक वालों तो पूरे अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस रोड पे पाला गिरता है। तो ये जो रोड आप देख रहे हो ना, इस पे हल्की बर्फ़ की लेयर जम जाती है, तो आपको गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बाइक से रात में अवॉइड करिएगा इस रोड पे आने, पिथौरागढ़ से धारचूला जाना अवॉइड करिएगा। बाकी वो हिमालयन रेंज, ये अपना भाई। 8 रुपए का भरपेट खाना खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ धारचूला के लिए। 80 किलोमीटर अभी धारचूला बाकी है, और रोड अच्छा है, कहीं कहीं पे रोड ख़राब है, लेकिन रात होने से पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा, या फिर शाम होने से पहले मुझे धारचूला पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रात में पाला बहुत पड़ने लगता है। तो और रोड में दिक्कतों का और भी सामना करना पड़ सकता है, जो अगर मैं पहले पहुँच गया तो नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं, जल्दी पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। और मुड़ते मुड़ते तवाघाट 87, ओ शिट, गिर गए बाइक गिर गई भाई, मेरी स्लिप हो रही। बर्फ देखिए, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये वही चीज़ है, पाला पड़ा। इसको रख दो उधर, पाला पड़ा है ना साला, ये बड़ा बर्फ की हल्की सी लेयर है ये। तो धारचूला है 50 किलोमीटर, जौल जी भी 21 किलोमीटर, और अशकोट 9 किलोमीटर। समय हो गया है 3:30 हो गया है, हाँ नहीं 3 बज गए, हाँ 3:18 हो चुका है, और 50 किलोमीटर हमें तय करना है बहुत जल्द, ना तो रात में हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, 6 बजे के अंदर हमें पहुंचना पड़ेगा 50 किलोमीटर। सूरज हो रहा है मध्यम, चांद जल जाएगा थोड़ी देर बाद, और चांद जलने से पहले पहुंचना है हमको धारचूला, और कुछ ऐसा है नज़ारा। 30 किलोमीटर पहले जगह पड़ती है जौल जीबी, पीछे मार्केट था छोटा सा, तो ये जगह भी पड़ेगी, और यहाँ आपको पेट्रोल टंकी भी मिल जाएगी, तो पेट्रोल की भी टेंशन नहीं है। तो चलो निकल चलो। आज जा शाम होने आई और मौसम ने ली है लड़ाई, अगर हमारी नहीं है किसी से लड़ाई, हमको पहुँच जाना है बस जल्दी से थोड़ा, ताकि बिस्तर को जल्दी से हम लोग गर्म कर लें, क्योंकि रात हो गई ना, तो बिस्तर गर्म होने में बहुत टाइम लेता भाई। और यहाँ की ठंड, दिल्ली की सर्दी, फेल है। नेपाल है वो, हाँ नेपाल है, और ये काली नदी, और ये इंडिया, तो उधर हम लोग जा सकते हैं पुल से, जो आगे पुल है तो वहाँ जा सकते हैं, खुलने में जा सकते हैं। अभी खुला नहीं है पुल, बंद है, कल खुलेगा सुबह की रात में, कितने बजे खुलेगा वो क्या? ओके ओके, दिन में खुलेगा। अच्छा, उधर नेपाल पूरा खुलेगा, अच्छा, तो वो रोड अलग है, वो रोड अलग है,
चलिए ठीक है, जा सकते हैं वहाँ, खाली जा सकते पैदल पैदल ना, ठीक ठीक पुल पे तो जा सकते हैं ना, ठीक ठीक ओके भाई थैंक यू। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, टू कंट्रीज वन रिवर, व्हाट अ ब्यूटी। इतना इंग्लिश कैसे बोल दिया मैंने, रे वाह। थैंक यू सर, ने तो देखा नहीं, अभी पुलिस ने हम लोग को रोक लिया था, मैंने कैमरा उस समय ऑफ था और गाड़ी के कागज चेक किए और बोला कि आगे आराम से जाइएगा, रास्ता बहुत ही दुर्गम है। चलिए देखते हैं। स्वागत करता है धारचूला, आपका हार्दिक स्वागत करती है अधिकांशी अधिकारी नगर पालिका परिषद धारचूला कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार। तो कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार यही है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी एक। चलो चलते हैं। तो देखो भाइयों, ये रहा नेपाल, ये है काली नदी और ये है इंडिया, मतलब ये भी इंडिया है, वो इंडिया है, धारचूला जगह का नाम है और ये नेपाल है। ये शायद इस जगह का नाम भी धारचूला से कुछ मिलता जुलता सा है। दोनों तरफ प्यार करने वाले हैं, अच्छे लोग इधर भी हैं, अच्छे लोग इधर भी हैं। नेपाल अपना बहुत अच्छा देश है, मैं तो बहुत बार गया हूँ, तो नेपाल भी कभी आपको उधर जाके घुमाऊंगा। बाकी यहाँ से जो इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए जो पुल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वो दिख रहा है थोड़ा सा, अगर आप देख रहे होंगे हल्का सा दिख रहा है, ले हम लोग पहुँच के चलते हैं। और शायद अभी बंद हो क्योंकि कोविड की वजह से बंद था, हो सकता है कल सुबह खुले, मालूम पड़ा मुझे ऐसा कि कल सुबह शायद खोल दिया जाएगा, और अगर खोल दिया गया तो उस पुल पे चल के आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए डोगरी मंदिर काठमांडू 965 किलोमीटर है और ये चेक पोस्ट है और ये इधर ही कहीं है पुल, ये रहा पुल, ये देखिए जो भी बंद है। पुल आप लोग देख रहे हो ना, उधर नेपाल है, ये इंडिया है, हम लोग इंडिया में। और यहाँ तक अभी अलाउ नहीं है, बट मैंने रिक्वेस्ट कर ली थी तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आया मैं उस साइड से हूँ। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, वो देखो वो नेपाल के लोग हैं वो सब, और ये अपने इंडिया का इधर सारा सीन है। चलो, बहुत मेरा बहुत पहले से मन था यहाँ आने का, मतलब बहुत पहले मैंने सुना था इस जगह के बारे में और आज वो पूरा हो गया, मैंने पूरा कर लिया, तो अच्छा लग रहा है। ये पुल, नेपाल, काली नदी, इंडिया। तो चलो भैया, लेवल 3 की करिए शुरुआत, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बिग पूछी बिग पूछी। नेपाल, इंडिया, काली नदी, ये कॉम्बिनेशन है यहाँ का। और जिस होटल में मैं रुका हूँ, ये समझ लो मेरे हिसाब से यहाँ का सबसे बेस्ट होटल है, क्योंकि यहाँ का बेस्ट होटल मेरे ख्याल से यश है। बट वहाँ हम लोग गए थे, रूम बहुत अच्छे नहीं थे, ये बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ हैं, हीटर, आपका गीज़र वीज़र सब यहाँ पे चल रहा है, लाइट है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये होटल ज़्यादा अच्छा है, तो कल मैं आप लोगों को बता दूंगा ये कौन सा होटल है। बाकी आज जो धारचूला का सफ़र था ये तय हो गया है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कल लेवल 3 शुरू होगा, तो जो अगला ब्लॉग आएगा ना ये धमाकेदार होने वाला है, तो बने रहिए और इसको ज़रूर से ज़रूर लेवल 3 को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल।